नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। स्कूली वाहनों से होने वाले हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बुधवार को मथुरा के थाना कोसी कला इलाके में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे चोटिल हो गए, वहीं 3 गंभीर चोटों के शिकार हो गए। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब यहाँ के अमेरिकन किड स्कूल की वैन स्कूली बच्चों को कोसी से लेकर स्कूल जा रही थी। यह वैन जैसे ही राजमार्ग पर पहुंची, तभी तेज़ रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार करते हुए राजमार्ग किनारे गहरी खाई में गिर गई। स्कूल वैन के खाई में गिरते ही तत्काल स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और तत्काल गाड़ी को सीधा कर उसमें फंसे बच्चों को निकाल कर अस्पताल पहुँचाया और हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को खाई से बाहर निकाला। अमेरिकन किड्स स्कूल की यह गाड़ी कंडम हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूली संचालक मनमाने तरीके से बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। इस स्कूल वैन में निर्धारित संख्या से ज़्यादा 22 बच्चे थे। फिलहाल मामूली रूप से घायल हुए बच्चों को परिजन घर ले गए, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। भले ही निजी स्कूल की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नियम जारी किए हैं, लेकिन जिन हुक्मरानों के कंधों पर इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी है, वह शायद किसी बड़े हादसे का मथुरा में इंतजार कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? ये क्या घटना हुई थी यहाँ पर? ये घटना हुई, बच्चा की गाड़ी आ रही भर के। कौन से स्कूल की थी? ये अमेरिकन किड के बच्चा, ये बराने से आ रही थी। नहीं, इसमें अब कोई बच्चा नहीं है, हमने सब निकाल दिए, कोई बच्चा नहीं है पक्का, बिल्कुल मैंने पूरी तसल्ली की है। तो ये बच्चा बराने से आ रहे थे, अमेरिकन किड में लेके जा रहे थे, पुल पे चढ़ाई पर जब गाड़ी चढ़ने पहुंची तो गाड़ी का अगला टायर फस्ट हुआ।